गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो लेके आ चुकी हूँ मैं अपना नया ब्लॉग। तो अभी जाएंगे नीचे अंजू दी के वहाँ, क्योंकि वो आज जाने वाली है नामकरण में। इनविटेशन आया था हमें, लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं, किसी कारण से हम जा नहीं पाएंगे। तो इनविटेशन आया था तो अभी अंजू दी जाएंगी खाली, और वो उनके लिए हमने गिफ्ट भिजवा दिया है। बाकी जाने का तो हो नहीं पा रहा है, तो अभी नीचे जाएंगे। वो नामकरण में जा रही है, देख के आते हैं कि वो रेडी हुई कि नहीं और कैसी लग रही है, वो पूरा दिखाएंगे। तो मिलते हैं नीचे, बने रहिए वीडियो में, स्किप मत कीजिए। चुके हैं दीदी के वहाँ, अंदर जाते हैं। ए छुटकू मुटकू, क्या कर रहे हो रे तुम? कहाँ है मम्मी? हेलो, नामकरण में नहीं जाओगे? नहीं। क्यों? मम्मी जा रही है गेम खेलने। है? जाऊंगी। नामकरण में जाएगी? क्या खाएगी वहाँ? खाना। क्या खाना खाएगी? हड्डी खाऊंगी। क्या खाएगी बताओ? हाँ, हड्डी खाऊंगी। क्या हड्डी बोली हो? कौन सी हड्डी खाएगी? पीली हड्डी। हैं? कौन सी हड्डी खाएगी? यार क्या हड्डी, बुखार सही हो गया तेरा? बुखार सही हो गया? गई नहीं अभी तक क्या? हैं? ओ हीरोइन गई नहीं? क्यों? ऐसे क्या पहन के जाऊँ कुछ समझ में ही नहीं आया, ना कोई तैयार करता। साड़ी निकाली पर पहनाने वाला था नहीं, क्या करती, गई नहीं इस चक्कर से। तो अभी जाओगे थोड़ी देर में? चलो फिर तैयार कर दोगे तो चल रही क्या? क्यों तैयार होना नहीं आता आपको क्या? अरे साड़ी पहनने भी आते हैं ना, जब साड़ी पहनूंगी तो तभी तो जा पाऊंगी। चलो फिर तैयार हो जाओ। साड़ी वाड़ी चाहिए था इसमें पहनने के, एक दिना मेकअप करने वाला भी चाहिए। पार्लर चले जाते? पार्लर चाहिए रुपया वाला मेकअप जो कर। तुम्हारा वेट कर रही थी मैं, कब सोनाली आएगी, कब मेरा मेकअप करेगी, कब हम पार्टी में जाएंगे। चलो फिर चलो तैयार निकालो फिर साड़ी। ओ महानुभव, नामकरण में जाना है, अभी तक तैयार नहीं। अभी तक तैयार नहीं है, साड़ी पहनाने वाला कोई था नहीं। मैंने कहा या तो शाम को जाएंगे या तो सूट पहन के ही जाएंगे, क्योंकि मेहमान चले जाएंगे तो सूट में चले जाएंगे। अब लोगों के सामने जाना तो थोड़ा बन ठन के, साड़ी वाड़ी लिपस्टिक फिपस्टिक कान के झुमके, बिल्कुल ये वाली स्टाइल में। नहीं तो आप ऐसे सिंपल, ये एक नंबर की कॉमेडियन है, बहुत कॉमेडी करती है। चलो फिर तैयार कर दूंगी। यहाँ नहीं रखी है क्या? साड़ी यहाँ नहीं रखी है, देख है? वहीं रखी साड़ियाँ? ना ना नहीं बना रही हूँ, ऐसे कपड़ों में क्या मैक्सी तो पहनी है। अभी डालूंगी, अभी डालूंगी। ये बैठे हैं बच्चे छोटे छोटे हमारे, अब तो हो गई वीडियो, अब तो बन गई, अब तो डालूंगी। अरे मत डालना, ये इतने सारे सूट भी रखे हुए हैं, सिला देंगे मैं। तू वीडियो बनाती रहेगी मेरी, जो कर रही थी तो मैं दिख रही हूँ तुझे। चलो तो तैयार कर दूंगी मैं। ये जो शक्ल है इसको प्यारा बनाना है, वैसे तो बहुत ही खूबसूरत है हमारी दीदी। आप इसको वैसे मैं ना बिना मेकअप के अच्छी लगती हूं, मेकअप कर रही हूं तो चुड़ैल नहीं लगती, डरावनी लग जाती। ऐसा किस्सा होता है बहुत लोगों के साथ, लोग ऐसा कहते हैं मेकअप भी नहीं किया सिंपल। अगर किसी को सूट चाहिए तो ले सकता है येलो सूट। ये साड़ी है, ये साड़ी है, देखो कितनी सुंदर साड़ी है। अगर किसी को चाहिए तो ले सकता है दीदी के वहाँ आके, बहुत सारे कपड़े हैं इनके पास। कोई नहीं, किसी का बर्थडे होगा ना, कोई बात नहीं, मुझे दे देना ठीक है मेरी साड़ी। ये सोनाली को ये सूट पसंद आई है, सोनाली का जब बर्थडे आएगा ना तब सोनाली को ये सूट गिफ्ट करूंगी। देख सकते हैं गाइस, किसी को चाहिए सोनाली को पसंद आई है, ये पिंक कलर का है, बहुत प्यारा सूट है। देखिए ये मैं इसी को गिफ्ट सिंपल, ये इसको बनाएगी पटियाला टाइप। सूट पहनने का टाइमिंग होता है योगा, जब योगा करती हो छत में तो तब सूट पहन के कर लिया करो। चलो तो निकालो तो यार, तैयार कर दो। ये मेरा खानदानी जेवर, खानदानी जेवर। ये है मेरा खानदानी जेवर, इसको कोई लूट के मत जाना। चलो चलो तो लाओ निकालो तो, कौन सी साड़ी पहनानी है? साड़ी पहन के जाऊं? साड़ी पहन के जाओगे? अरे नहीं सूटी पहन के जाती हो यार। क्यों, कहाँ, ये गर्मी ज्यादा हो रही है। साड़ी पहन रहे हो, सूट पहन रहे हो, सूटी पहन के जाते हैं। चलो फिर चलो।
तो सूट तो खुद भी पहन सकते थे अभी तक। अरे मैं तो तुम्हारा वेट कर रही थी, साड़ी पहनाओगे? अब ज्यादा टाइम हो गया, क्या कहते हैं, अब मेहमान भी चले गए होंगे, अब क्या साड़ी पहनना, कौन मेहनत करेगा, वैसे भी मैं बहुत काम। पूछो, ठंडा हो रहा है बहुत, ये देखिए दोस्तों एसी लगा हुआ है, बर्फ हो रहा है इस कमरे में, बर्फ। अरे मैंने इस बर्फ हो रहा है ना, तो मेरा मैक्सिमम दिखा, मैंने इसलिए एसी चलाया, मैंने कहा ड्यूटी से आएंगे थके रहेंगे बेचारे, थोड़ी यहाँ बैठेंगे तो आनंद मिलेगा इनको, और फटाक से मुझे तैयार करेंगे, नहीं तो गर्मी से आएंगे तो गालियाँ देते दो चार। लाओ दो सूट, सूट तो खुद ही पहन सकते हो आप। तो आज मैं करने वाली हूँ तैयार दीदी को, और मेरा वेट कर रही थी बहुत टाइम से, थोड़ा थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ, आप देख के बताइएगा मैं कैसा मेकअप करती हूँ और कैसे हेयर स्टाइल। मेरे पास ना ज्यादा मेकअप का सामान नहीं है, इतने इतने से ही बहुत सुंदर लगेंगी, बहुत सुंदर, क्योंकि मेकअप बहुत अच्छा करती है, पर मेरे पास सामान है नहीं, बिना सामान के भी मैं मेकअप करके बताऊंगी कैसे मेकअप किया जाता है, इतना ही। ये देखिए, ये देखिए, ये सूट लेके आई है दीदी, अच्छा लगेगा ना, बहुत प्यारा सूट है, अभी दीदी पहनेगी, और ये इसका प्लाजो है, दुपट्टा, ये दुपट्टा, और ये है दुपट्टा, बहुत अच्छा दुपट्टा है, ये देखिए, इसने तो मेरे को पूरे मैक्सी में, पूरे वीडियो में मैक्सी में निकाल दिया, बहुत ही प्यारा दुपट्टा है, चलो उसको पहनो दो। अब मेकअप दिखाएंगे आपको, पहले चेंज करवाते हैं, ये पहन के आएगी दीदी, इसके बाद मेकअप पहन रहे हो क्या? हाँ यही पहनूंगी, टॉप से तो डेली पहनती हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये वाले इयररिंग्स दीदी को पहनाने वाले हैं, कैसे लग रहे हैं ये, इनके फेवरेट इयररिंग्स है ये, और एक छोटे वाले भी तो थे, कहाँ गए हो? छोटे वाले हैं, टॉप से टाइप के थे वो, ये अभी निकाला था जो आपने पीछे, और एक ये है देखिए दोस्तों, ये वाला छोटी छोटी सी है, ये मत पहनो, ये वाले सही लग रहे हैं, इसकी टोकरी एक खो चुकी है, बस एक ही बची है, फिर भी उन्हें रखी है। गिफ्ट तो नहीं दिया था किसी ने आपको? गिफ्ट नहीं दिया, गिफ्ट तो कौन दे रहा है। तो आप तैयार करेंगे हमारी प्यारी दीदी को, कैसा लग रहा है? सर पर तो मैंने आज तक कभी डाला ही नहीं यार, मैं क्यों शादी में डाला होगा, शादी में भी डाला होगा, फिर रुका ही था वो शादी में। आई बेटा दे दो उसको, टीवी में देख लो, एक जना एक जना मोबाइल ले लो, यहाँ तो वो ठंडा नहीं हो रहा है, तो ये देखिए पहन चुके हैं, सिंपल बहुत प्यारी लगती है दीदी, सिंपल में इतनी प्यारी लग रही हो, फिर थोड़ा सा सजूंगी धजूंगी तो कहीं चमत्कार ना हो जाए कुछ, कंगी ना कहीं, बिजली ना कंगी ना, बिजली उधर है, उधर ही पे है, इधर को ऑयल वाला नहीं है, पिन नहीं आपके पास? शादी में मेकअप कितना किया था आपने? कुछ भी नहीं। क्यों? देख लो, देख सकती है फोटो। तो दीदी की शादी कौन से साल में हुई थी? 2012 में। 2012 में दीदी की शादी हुई थी, और दीदी ने बिल्कुल, वो भी 2012 इंडिया में हुई थी लास्ट में नवंबर, तब मेकअप नहीं होता, मेकअप तो होता था, होता था, घर वालों ने भी बोला पार्लर वाले में है, देखिए बन रही है हमारी साइड ब्रेड, और दीदी लगने वाली है सबसे ज्यादा खूबसूरत, कमेंट में जरूर बताना, बाल बनाने वाले ज्यादा अच्छे, अगर किसी को हेयर स्टाइल बनवानी है तो मेरे पास, इसका मेकअप हो रहा हो ज्यादा अच्छा लगता है, जब प्यारे प्यारे कमेंट करोगे मेरे लिए, पहले तो मैं बीच बीच में आपके साथ आते रहूंगी, अगर बुरे कमेंट करोगे तो मैं दोबारा नहीं आऊंगी, पता भी तो चलना चाहिए ना मेरे को, तो ये देखिए बस थोड़ा सा बचा है, और जूड़ा बनाना है क्या? ये खुली देखने वाला जूड़ा भी दिखाएंगे अगले, जूड़ा भी बताएंगे आपको अगली वीडियो में बनाना, अब अगली बार जूड़ा बनाऊंगी, मैंने जूड़ा वो भी रखा है, बस पिन पता नहीं बच्चों ने कहाँ डाल दी है, दीदी के पास फिलहाल तो पिन है नहीं, इसलिए हमने जूड़ा बनाया नहीं अभी, बच्चों ने पता नहीं कहाँ फेंक दिया है, जूड़ा है कहाँ है,
ये देखिए जूड़ा है, बट जूड़ा मैं बना नहीं रही हूँ, सिंपल से बाल बनाऊंगी। और बच्चा दीदी की मैंने बना लिया सिंपल सा हेयर स्टाइल बनाया, दीदी को सिंपल ही पसंद है, नामकरण में जा रही है तो आपको हेयर स्टाइल दिखाती हूँ। देखिए ये दीदी का हेयर स्टाइल बना हुआ है, दिखाना। अभी हेयर स्टाइल कंप्लीट हुआ है, बस इस तरीके से भी दिखाएंगे आप लोगों को, दिखाना। देखो मेरे बालों को अच्छे से देखिए, और ये साइड ब्रिड बनाई है, अरे झुमके बनाए हैं अभी, और ये बाल बन चुके हैं, दिखाना। ये पूरे बाल कंप्लीट हो चुके हैं दीदी के, बहुत ही प्यारे बाल। और पीछे से हमने खाली टक किया है क्लिप से, और ये इनके एक्स्ट्रा हेयर थे उनसे टक किया। अगर आप यहाँ पे फ्लावर्स लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारे लगेंगे। ये देखिए, ये देखिए, और इनके पास कुछ सामान है नहीं, लेकिन फिर हमने सिंपल सा बाल बना लिए, ऐसे कीजिए। ये देखिए ये हेयर इनके बनाए हैं, बताइएगा ज़रूर कैसे लग रहे हैं ये बाल। आज नामकरण में आप ही रौला करने वाले हो, लग रहा है रौला करने वाली हूँ मैं, बाल बनाएंगे सब बच्चे को। चलो फिर मेकअप स्टार्ट करें, अब हल्का फुल्का, ज़्यादा हल्का ही, बस ज़्यादा लिपा पोती मुझे नहीं अच्छा। अरे कुछ हाँ थोड़ा सा करूँगी, तो आप करेंगे मेकअप हमारी प्यारी सी दीदी के, हेयर स्टाइल बन चुके हैं, मेकअप करेंगे। ये देखिए शीशे में बिल्कुल अपने आप को निहारने लगे, ज्यादा डार्क नहीं हो गया, थोड़ा सा हम लगाएंगे दीदी को। तो दीदी का मेकअप हो चुका है कंप्लीट, अभी दिखाते हैं पूरा कैसी लग रही है दीदी। ठीक हो चुकी है तैयार, बताइएगा कैसी लग रही है, सुंदर सी। इधर को करिएगा फेस, ये इनके हेयर स्टाइल है, ये जो हमने सिंपल सा हेयर स्टाइल बनाया था, और ये इनका लुक है। ये देखिए कैसा लगा मेकअप, पसंद आया? ये देखिए पीछे घूमो, आगे घूमो ऐसे। ये रही हमारी दीदी, और हो चुकी है रेडी जाने के लिए, बहुत ही प्यारी लग रही है। सिंपल सा मेकअप है, लाइट मेकअप, आप कहीं भी कर सकते हैं, जैसे डेली यूजर्स में भी कर सकते हैं, और जैसे कहीं हल्की फुल्की पार्टी के लिए भी। और ये हेयर स्टाइल हमेशा कहीं भी यूज़ में आ जाते हैं, बताइएगा ज़रूर कैसी लग रही है ये हेयर स्टाइल, आपको पसंद आएगी नहीं? हेयर स्टाइल पसंद आएगी ये भी बता देना, या दीदी पसंद आई ये भी, मेकअप पसंद आया ये भी, मेकअप पसंद आया ना आया कमेंट में जरूर बता दें। मेकअप बहुत ही हल्का रखा है, लाइट मेकअप, ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, हेयर स्टाइल बनाया है। ये देखिए ये सिंदूर, देखिए सुहागन, एक सुहागन की निशानी होती है एक चुटकी सिंदूर। हाँ जो आज सोनाली ने भर दी, आज मेरी तीसरी शादी होगी सोनाली से। डायलॉग तो मार दो, एक चुटकी सिंदूर, इतना बड़ा डायलॉग नहीं आया, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, क्या है भैया का नाम, ललित, अभी देखेंगे ना, हाँ अभी सासु ससुर देखेंगे आपके, ये ललित बोल रहे हो, ललित ही जानेंगे एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत, आप लोग क्या जानोगे। ये हमारी सुंदर सी दीदी, बताइएगा जरूर कैसी लग रही है, हूर परी लग रहे हो आज तो, और क्या है इनको तैयार, जो तैयार किया था वो हूर परी या सोन परी लगूंगी, नामकरण में उड़ोगे आप वहाँ जाके, मैं तो नहीं जा पाई, लेकिन ये जरूर जाएंगे, हमारे बदले का डांस भी करके आना, ठीक है, क्योंकि आज मैं जाऊंगी, लोग मुझे बोलेंगे कुछ करो, मैं बोलूंगी ना ना मैं मेकअप करके आई हूँ, और मैं सब दर्जी हूँ, बस ऐसे जाऊंगी और ऐसे रहूंगी, एक पर्स पकड़ूंगी, पर्स कहाँ है, पर्स पकड़ूंगी, बस ऐसे चलूंगी, पर्स तो पकड़ो, अब तो जाना ही है आपको, वैसे भी निकाल लो पर्स। तो दीदी हो चुकी है तैयार जाने के लिए, पर्स कहाँ है दीदी आपका, मैं पर्स लेके जाऊंगी, ये वाला ले जा रहे हो, तो खाली ये डाल के जाने मैं। चलो फिर जा रहे हो, जाते हैं बच्चों, तुम रखना ध्यान, अच्छा
और मैं जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी, ठीक है? ओके बाय बच्चों। आयु तुम लोग नहीं जा रहे हो ना? जा रहे हैं। जा रहे हो तो जाओ, तुम घर में रह रहे हो, बच्चों को देखना, ठीक है? हाँ जल्दी आ जाओ, ठीक। ओके बाय। मैं चूसी लेकर आना। ओके बेटा। तो दीदी जा रही है नामकरण में, देखिए चप्पल मेरे नीचे है। ये देखिए यहाँ से पूरा दिख रहा है, मेकअप नीचे करो, हेयर स्टाइल क्या प्यारा हेयर स्टाइल लग रहा है। आप सोच रही हैं दीदी चप्पल डालना भूल गई, पर मैं चप्पल डालना भूल ही नहीं हूँ, चप्पल दीजिए। ओके चलो फिर मिलते हैं।